हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजयतास मेकओवर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक हेयर कट वीडियो और इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट स्किप वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने यहाँ पे सेक्शन कर लिया और सेक्शन फॉलो कीजिए। मैंने यहाँ पे 5 सेक्शन किया है एंड उसके बाद मैंने अब पीछे 1 लेंथ कटिंग कर रही हूँ। पीछे आपको स्ट्रेट कट करना है क्योंकि बहुत सारा क्लाइंट को ये डिमांड रहता है कि पीछे पूछ की तरह नहीं होना चाहिए या फिर पीछे लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पीछे आपको 1 लेंथ कटिंग करना पड़ेगा। एंड बहुत दिन बाद मैंने हेयर कट वीडियो डाला है मेरी चैनल पे, क्योंकि क्या है ना, मुझे ना कुछ नया दिखाने का मन होता है, क्योंकि जो हेयर कट नॉर्मली मेरे पार्लर में होता है वो सब जानते हैं। मतलब उस तरीके से वीडियो मैंने पहले डाल दिया, इसलिए ये कटिंग चल रहा है और अभी ये ट्रेंडिंग है, इसलिए मैंने ये कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप कटिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत सारा बातें कर लिया मैंने। फर्स्ट मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, देखो पीछे 2 सेक्शन था मेरा, दोनों सेक्शन से मैंने 1 सेक्शन निकाला एंड उसको मैंने कॉमिंग करके, देखो मेरे फिंगर में होल्ड करने के बाद एकदम नीचे जो सबसे छोटा वाला हेयर है ना, वही मेरा गाइडलाइन, उसी को गाइडलाइन मान के आपको कटिंग करना होगा। एंड उसके बाद सेम 1 बाय 1 आपको हॉरिजेंटली सेक्शन लेना होगा। मैंने पीछे 3 सेक्शन में कटिंग कंप्लीट किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको तीनों सेक्शन में ज़्यादा लग रहा है कि मतलब हेयर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका फिंगर में इतना हेयर ग्रिप नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे 4 सेक्शन में भी ये काम कर सकते हो। देखो नीचे मैंने जो कटिंग किया है उसका गाइडलाइन के हिसाब से मैं आगे की जो कटिंग कर रही हूँ उसको कटिंग करते जा रही हूँ। गाइडलाइन फॉलो करके कटिंग करना, क्योंकि गाइडलाइन का मतलब फॉलो करके कटिंग करोगे तो कटिंग का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। और क्रॉस चेक करना मत भूलिए, क्योंकि क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, कॉमिंग के वजह से या सही से कॉमिंग नहीं होता है तो इधर उधर एक दो बाल छूट जाता है, तो क्रॉस चेक ज़रूर करना। मैंने देखो कोई एंगल नहीं है, कोई ऊपर नीच नहीं है, बिल्कुल सीधा आपका जो हेयर है उसको बिल्कुल सीधा लेते गई एंड कटिंग करते गए। और मैंने कोई पॉइंटेड कट नहीं किया है, यहाँ पे स्ट्रेट सीजर चलाया मैंने। मेरा एक साइड का कटिंग कंप्लीट, अब मैं बैक साइड की दूसरे साइड को भी सेम इस तरह से ही कटिंग कर रही हूँ। देखिए एकदम नीचे जो गाइडलाइन सबसे छोटा वाला जो हेयर है उसको गाइडलाइन मान के मैंने कटिंग किया है। आप अगर इस स्टाइल में मतलब इस टाइप में कटिंग करोगे, ये सेक्शन फॉलो करके कटिंग करोगे ना, तो पीछे आपका बाल बिल्कुल पतला नहीं दिखेगा। मतलब पूंछ की तरह जो हो जाता है ना वो नहीं दिखेगा, एकदम पतला नहीं दिखेगा। और ऊपर से क्या है ना, इस तरह से कटिंग करने के बाद मैंने जो फील किया है, पीछे ना बालों में बहुत अच्छा से वॉल्यूम ऐड हो जाता है। एक बार ट्राई करके देखिए। मेरा इस साइड का भी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं बैक साइड में जो सेक्शन लिया था, दोनों सेक्शन को एक साथ पकड़ के पूरे बालों को एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ। ये कटिंग बहुत इजी है और ये कटिंग की रिजल्ट देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और प्लीज़ मेरे सबके पास एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल पे नया हो, मेरा वीडियो देखते हो, मतलब मेरे काम आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट ज़रूर करना। मतलब आपका कटिंग कैसा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताना, या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ एंड फ्रेंड के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं बढ़ती हूँ फॉन्ट की तरफ। देखो फॉन्ट में क्लाइंट को हमेशा पूछ के कटिंग करना कि मतलब कितना लेंथ में चाहिए, जितना लेंथ में क्लाइंट को चाहिए उसी की लेंथ के हिसाब से कटिंग करना होता है। मैंने फॉन्ट में कटिंग कर लिया नॉर्मली, एक देखो स्ट्रेट कट किया मैंने। उसके बाद मैंने फॉन्ट में भी सेम जिस तरह से हम लोग लेयर कट करते हैं उसी टाइप में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये बटरफ्लाई हेयर कट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। आपको बस फ्रंट की जो हेयर है उसको तीनों सेक्शन में मैंने डिवाइड कर लिया, दोनों साइड का कटिंग एक जैसा होगा और बीच का कटिंग अलग होने वाला है। सो जैसे हम लोग लेयर करते हैं ना उस तरीके से कटिंग है, लेकिन आपको छोटे छोटे पार्ट में 1 बाय 1 आपको सेक्शन लेना होगा और कटिंग करना होगा।
फ्रंट में मैंने फर्स्ट जो लेयर किया था उसी गाइडलाइन को लेकर मैं कटिंग कर रही हूँ। पूरी हेयर को सेम इस तरह से आपको कटिंग करना होगा। मैं अगेन सेम बात बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंटेड कटिंग नहीं होने हो रहा है, यहाँ पे बस स्ट्रेट कट मैं कर रही हूँ। सीजर को बिल्कुल स्ट्रेट चला रही हूँ। ये कटिंग बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा स्टेप फॉलो करना है, थोड़ा सेक्शन करना है एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप एंड तक देखिए तब आपको पता चल जाएगा। मेरा इस साइड का कटिंग कंप्लीट है। मैंने सेम इसी तरीके से उस साइड में भी सेम तरीके से कटिंग कंप्लीट करूँगी। आप देख सकते हो साइड में कितना अच्छा वॉल्यूम आया है, कितना अच्छा लेयरिंग आया है। एंड उसके बाद मैंने फ्रंट में जो हेयर कट किया था उसको मैंने गाइडलाइन ले लिया एंड उसी के हिसाब से मैंने साइड का कटिंग कर रही हूँ। बस आपको लेयर कट आप जिस तरह करते हो बस उसी टाइप में आपको करना है, लेकिन पूरे बाल को फ्रंट की तरफ आपको लेना होगा और एकदम स्ट्रेट कट करना होगा। और छोटे छोटे स्टेप में ये कटिंग, मतलब छोटे छोटे सेक्शन में ये कटिंग करोगे ना तो उसका वॉल्यूम भी, हेयर में वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा। मेरा दोनों साइड का कटिंग डन। बीच का जो सेक्शन है आपको उसके लिए सेम मैंने फ्रंट का जो कटिंग किया था उसी कटिंग को आपको गाइडलाइन लेना होगा एंड हेयर को कट करना होगा। पूरे हेयर को मैंने फ्रंट की तरफ लेकर गई फॉरवर्ड सेक्शन पे एंड कटिंग किया। आप वही सेक्शन को आपको दोनों साइड में मूव कराना होगा। दोनों साइड में मूव कीजिए एंड कटिंग करते जाइए। मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं पूरी हेयर को एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ। जिस तरह से हम लोग लेयर कट करते उसी के हिसाब से बीच मांग करके आपको पूरा हेयर को दोनों पार्ट में डिवाइड करके पूरा हेयर को फ्रंट की तरफ लेकर जाना होगा और क्रॉस चेक करना होगा। मैंने पहले भी बोला है कि क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे कॉमिंग के वजह से या एक दो बाल छूट जाता है। क्रॉस चेक करने से ना वो हेयर निकल आता है और आपका जितना भी कटिंग में अनइवन होता है वो इवन हो जाता है। एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं वही कर रही हूँ, अभी पूरे हेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मैंने इस तरह से दोनों साइड की हेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हूँ एंड आफ्टर ब्लो ड्राई दिस इज फाइनल लुक। आई होप यू ऑल इन्जॉय दिस वीडियो और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो अगर ये कटिंग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने यहाँ पे पोनीटेल करके भी दिखाया, देखो पीछे हेयर में कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।